जल्द अमीर बनने के लालच में बीएसएफ का पूर्व रसोईया 100 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड बन गया। जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ओमा राम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और ना सिर्फ राजस्थान पुलिस को बल्कि देश की राजधानी की पुलिस को भी उसकी लंबे समय से तलाश थी। बताया जा रहा है कि ओमाराम 2004 से 2006 के बीच में बीएसएफ में बतौर रसोईया काम करता था, लेकिन उसके ख्वाब जल्द अमीर बनने के थे, लिहाजा उसने नौकरी छोड़कर ठगी का बिजनेस शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक पहले उसने निजी सुरक्षा एजेंसी खोली, जहां पर नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी की, लेकिन इसके बाद वो एमएलएम मार्केटिंग के बिजनेस में आ गया और वहाँ पर सदस्यता और कमीशन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की वारदातें अंजाम दी। लेकिन उसका कांड यही नहीं थमा, उसने बाद में ई कॉमर्स वेबसाइट भी खोली, जिसमें सेलर बनाने के नाम पर लोगों से ठगी की गई। इस तरह उसने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की थी। डेढ़ दशक के करीब से दिल्ली पुलिस और आसपास के राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी और आज क्राइम ब्रांच के हाथ सफलता लगी है और ओमाराम उर्फ राम मारवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आगे की पूछताछ की जा रही है, उसे कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके इस ठगी के बिजनेस में और कौन कौन लोग शामिल थे। निश्चित है ये सबसे बड़ा खुलासा ठगी के मामले में माना जा रहा है और साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि किस तरह से एक मामूली से रसोइये ने अमीर बनने के लालच में 100 करोड़ रुपए की ठगी करने के लिए सैकड़ों लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। लेकिन अब आरोपी अपने सही अंजाम सलाखों के पीछे जा रहा है। दिल्ली से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।